भदोही जनपद पिछड़ा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उद्योग का कटोरा है, पूर्वांचल में इससे बड़ा एक्सपोर्ट का कोई जिला नहीं है। इसको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहाँ की शिक्षा बहाल हो। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है। ज्ञानपुर नाम है जगह का और वहाँ पे ज्ञान का अभाव हो जाए तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का वादा प्रदेश की सरकार ने की थी, आज तक मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है किसी को पता नहीं। हर इलाके में अलग अलग मांगें हैं, कोनिया में पुल की मांग है, हर जगह जो है गंगा कटान की भी समस्या कहीं है, प्रतापपुर और हंडिया के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो हर जगह की मांग अलग है। यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 60-65 जगह रेलवे लाइन पे अभी तक फाटक है। सरकार ने कहा था कि 24 तक हर फाटक को समाप्त करके या तो अंडरपास बना दिया जाएगा या ओवरब्रिज बना दिया जाएगा। यहाँ ज़िले में एक ओवरब्रिज हमको देखने को मिलता है भदोही में, जो माननीय वहाँ के वर्तमान विधायक और माननीय प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयास से बना है, और एक अंडरपास और आई के पास बना हुआ है जहाँ पे एक ज़माने में रेल हादसा हुआ था उसके कारण वो अंडरपास बना हुआ है। ये मांग भी उठाना उचित नहीं समझा, जबकि ये दोनों रेलवे लाइन इस जिले को तीन भाग में, इस लोकसभा को तीन भाग में बांटने का काम करती है। तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी और ये सारी मांग हम लेके सदन में जाएंगे और सदन में उठाएंगे। कितने सेट में आपने दाखिल किया? हमने 3 सेट में दाखिल किया है ताकि समाजवादी पार्टी के सारे साथी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे साथी रहें और परिवार के भी लोग जो मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे थे। जो कैंसिल हो जा रहे हैं उसकी वजह, डर की वजह से तो आपने नहीं किया 3 सेट? अगर 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 एक सेट करते वो भी कैंसिल होता, अगर 3 सेट करते, जब इनको करना ही है, जब इसी तरह से इनको चुनाव कराना ही है देश में, तो उस पे किसी का बस चलने वाला है नहीं। हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, वो निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहेगा और मुझे पूरा आस्था और भरोसा है कि हम लोग ने सही से भरा है तो सही ही रहेगा।